की हॉट सीट माने जाने वाली पीलीभीत में सन 1989 के बाद से चली आ रही नेहरू गांधी परिवार की चुनावी कहानी पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। भाजपा से बेटिकट होने के बाद वरुण गांधी ने पीलीभीत का मैदान छोड़ दिया है। वरुण गांधी की टिकट काटकर पीलीभीत से लोकसभा उम्मीदवार बनाए गए कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद चुनावी रण में कूद पड़े हैं। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन जितिन प्रसाद ने दलबल के साथ पीलीभीत जिला मुख्यालय पहुंचकर अपना पर्चा भरा। बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद दोपहर में पीलीभीत सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ राज्य के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, गन्ना राज्य मंत्री संजय गंगवार, सभी विधायक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन से पहले जितिन प्रसाद ने शहर में माँ यशवंतरी देवी के दरबार में माथा टेका। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद उन्होंने अपना पर्चा भरा। बाद में चुनावी सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें भाजपाइयों ने जितिन प्रसाद की जीत के लिए हुंकार भरी। चुनावी सभा में एक दिन पहले तक टिकट नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जताते आ रहे पीलीभीत के पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा भी मौजूद नजर आए। हेमराज वर्मा ने आज कहा कि वह भाजपा के पक्के सिपाही हैं और जितिन प्रसाद को पूरी ताकत से चुनाव लड़ाएंगे और जिताकर संसद भेजेंगे। वहीं दूसरी ओर पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी ने नामांकन नहीं किया। इससे साफ हो गया कि वह पीलीभीत का मैदान छोड़ गए हैं। चर्चा है कि वरुण अब सुल्तानपुर में मां मेनका गांधी को चुनाव लड़ाएंगे, जिन्हें भाजपा ने इस बार भी टिकट दिया है। पीलीभीत से भाजपा की टिकट पर मैदान में उतरे जितिन प्रसाद मौजूदा वक्त में योगी सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं। उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर 2004 के लोकसभा चुनाव में शाहजहांपुर से जीत हासिल की थी। 2009 के चुनाव में वह धौरेरा सीट से सांसद बने थे। इस दौरान वह सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री रहे। कुछ वर्ष पहले जितिन ने भाजपा का दामन थाम लिया था। पीलीभीत से सपा ने पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार और बसपा ने पूर्व मंत्री अनीस अहमद खां और फूल बाबू को टिकट दिया है, जो एक दिन पहले ही अपना नामांकन कर चुके हैं। जितिन के नामांकन के साथ ही पीलीभीत का चुनावी रण बेहद रोमांचक होने के आसार बन गए हैं। खबरची ब्यूरो की रिपोर्ट।